का मकसद उन स्टूडेंट की रहनुमाई करना है जिन्हें सेकेंड ईयर सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज लेक्चर लेकर चलूंगा और जिसमें स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर रहनुमाई मिलेगी। आज का मेरा पहला टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से है, जिसमें हम देखेंगे कि लैंग्वेज होती क्या है। चूंकि हमने यहाँ पर सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज होती क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक लैंग्वेज पे गुजरेगा। बेटा बात करते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है। मैं अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा एक सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं कि लैंग्वेज का पर्पस होता क्या है। लैंग्वेज का बेसिक पर्पस यूज फॉर कम्युनिकेशन। जब मैं लैंग्वेज की बात करता हूं तो मेरे माइंड में आ जाता है कि मैंने कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। लैंग्वेज का बेसिक पर्पस कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन मींस एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज। लेकिन चूंकि यहां पर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, यहां पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। फिर कंप्यूटर से जब हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है तो लाजिम है कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे और कंप्यूटर को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नंबर वन इज लो लेवल लैंग्वेज एंड नंबर टू इज हाई लेवल लैंग्वेज। नंबर वन इज लो लेवल लैंग्वेज एंड नंबर टू इज हाई लेवल लैंग्वेज। तब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम दो तरह की पढ़ते होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। बड़े सादा अल्फाज में मैं अगर इसे बयान करूं तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, द लैंग्वेज दैट नियर टू बी कंप्यूटर इटसेल्फ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर के अपने नजदीक तरीन है वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। द लैंग्वेज दैट नियर टू बी कंप्यूटर इटसेल्फ लैंग्वेज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती, लो लेवल लैंग्वेज प्योर कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। लो लेवल लैंग्वेज की फर्दर टू टाइप्स होती है, नंबर वन इज मशीन लैंग्वेज एंड नंबर टू इज असेंबली लैंग्वेज। नंबर वन इज मशीन लैंग्वेज एंड नंबर टू इज असेंबली लैंग्वेज। अब यहां हमने बात की कि लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के नजदीक तरीन होती है, लेकिन इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? बेटा अगर हम कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज की बात करें, द बेसिक प्योर कंप्यूटर लैंग्वेज इज मशीन लैंग्वेज। इसमें होता क्या है, इन विच वी कैन यूज ओनली टू डिजिट्स 0 1। मशीन लैंग्वेज में हम सिर्फ दो डिजिट्स यूज कर सकते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर की बड़ा नलायक है, इसे 0 1 के अलावा कुछ नहीं आता। कंप्यूटर अगर जानता है तो जानता है 0 क्या है और 1 क्या है। देयरफॉर मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। इसीलिए हम मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते होते हैं। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 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 मशीन लैंग्वेज, इट इज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। इस बात का मतलब क्या है जी, ये जिस मशीन के लिए बनाई जाती है सिर्फ उसी मशीन पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी मशीन पर हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अनदर टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज अनदर टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज बट इट इज नॉट प्योर कंप्यूटर लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज है तो लो लेवल लैंग्वेज के टाइप, लेकिन ये कंप्यूटर लैंग्वेज एक्यूरेट एग्जैक्टली नहीं है। फिर ये क्या है, ना ये कंप्यूटर लैंग्वेज है प्योर, ना ये हाई लेवल लैंग्वेज है, फिर ये क्या है? असेंबली लैंग्वेज इज अ मिडल लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हम मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है जी, इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स, इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस यूज होते हैं। इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स, इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस यूज होते हैं, दैट्स कॉल्ड निमोनिक्स। और इंग्लिश लाइक वर्ड्स को, इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस को निमोनिक्स कहते हैं। कंप्यूटर आपका, हमने पहले बात की, 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं समझ सकता, यानी कंप्यूटर को असेंबली लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो कंप्यूटर को असेंबली लैंग्वेज समझाने के लिए फिर हमें लाजमी तौर पर एक ट्रांसलेटर यूज करना पड़ता है,
दैट ट्रांसलेटर इज कॉल्ड असेंबलर, दैट ट्रांसलेटर इज कॉल्ड असेंबलर, क्योंकि कंप्यूटर आपका असेंबली लैंग्वेज नहीं समझ सकता। जी बेटा, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो टाइप है वो है हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से। ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? बड़ी सादा सी बात है, ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन लैंग्वेज के करीब है, द लैंग्वेज दैट नियर टू बी ह्यूमन लैंग्वेज, दैट्स कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे नजदीक तरीन है, हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती, मशीन लैंग्वेज नहीं आती, और कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज नहीं आती। हाई लेवल लैंग्वेज अगर एग्जाम्पल ली जाए तो C++, सी लैंग्वेज, उसके अलावा अगर हम पहले वाली लैंग्वेजेस पर चले जाएं, फोरट्रान, बेसिक, कोबोल, जावा, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, इनमें हम प्रोग्रामिंग करते होते हैं। बेटा ये था आपका पहला लेक्चर जो सादा सा सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन पे था। लेक्चर टू जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में, बेटा हम लोगों ने देखा था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, वन लो लेवल लैंग्वेज, नंबर टू हाई लेवल लैंग्वेज। द मशीन लैंग्वेज इज प्योर कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, बट वी कैन अंडरस्टैंड ओनली हाई लेवल लैंग्वेज। देन हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद ईच अदर? कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं आती और हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती, तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो बेटा हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का सहारा लेते होते हैं। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। नंबर वन इज असेंबलर, नंबर टू इज कंपाइलर, एंड नंबर थ्री इज इंटरप्रेटर। कि हमारे पास तीन तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। नाउ व्हाट इज असेंबलर? आपको पता है हमने एक लैंग्वेज पढ़ी थी असेंबली लैंग्वेज के बारे में, हमने पढ़ा था असेंबली लैंग्वेज is another type of low level language, but it is not pure computer language, because the pure computer language is only machine language. तो जो प्रोग्राम आपकी असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, कंप्यूटर उसे भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को भी हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है, किसमें? जी हमें कंप्यूटर को समझाने के लिए उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो जो ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, दैट इज कॉल्ड असेंबलर, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। असेंबलर की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। नाउ कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोथ आर यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम क्या होता है? वो कोड जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है बेटा, वो आपका सोर्स कोड कहलाता है। वो कोड जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है वो सोर्स कोड कहलाता है, और मशीन लैंग्वेज कोड को हम लोग मशीन कोड कहते हैं, या इसे ऑब्जेक्ट कोड के नाम से जानते होते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों का काम क्या है जी? Both are used to translate high-level language into machine language, means source code into object code. Now हमारे mind में एक question generate होता है, जब दोनों का काम same है, compiler भी और interpreter भी source code को translate कर रहा है machine code में, तो हमने दो code क्यों, दो software क्यों बनाए? दोनों का काम जब एक जैसा है, लेकिन इनमें बेटा फर्क ये होता है, कंपाइलर जो है होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता होता है, जबकि आपका इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता होता है। तो ये आपका मेजर डिफरेंस होता है, क्योंकि कंपाइलर होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है इसकी स्पीड फास्ट होती है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है इसकी स्पीड होती है। तो ये आपका सिंपल सा टॉपिक था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स को एक्सप्लेन करने। तो डीबगिंग क्या होती है? सबसे पहले एरर को हम लोग बग भी कहते हैं। एरर होती क्या है? बेसिकली वो जो डिस्टरबेंस, वो जो हर्डल हमारे प्रोग्राम में आती है, जो हमारे प्रोग्राम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करने देती, वो एरर कहलाती है। तो बेसिकली डीबगिंग को अगर हम डिफाइन करें, तो हम डीबगिंग को डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ
फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर कॉल्ड डीबगिंग। हमने प्रोग्राम में एरर को सिर्फ फाइंडिंग करना होता बल्कि हमने प्रोग्राम में एरर को फाइंड करके रिमूव भी करना होता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम प्रोग्राम, फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम प्रोग्राम कॉल्ड डीबगिंग। तो बेसिकली जब हमारे पास एरर आती हैं तो तीन तरह की एरर्स हैं जो हमारे पास ज्यादातर अक्कर होती हैं। नंबर वन इज सिंटैक्स एरर, नंबर टू इज रन टाइम एरर एंड नंबर थ्री इज लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर क्या होती है? सिंटैक्स एरर पढ़ने से पहले एक डेफिनेशन, सिंटैक्स क्या होता है हमें पता होना चाहिए जी। व्हाट इज सिंटैक्स? द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहलाता है। बेसिकली मैं अगर इसकी सादा सी एग्जांपल दूं तो एक इंग्लिश लैंग्वेज है, एक इंग्लिश लैंग्वेज के सिंपल सेंटेंस, सादा जुमले का सिंटैक्स क्या होता है जी? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये एक सादा जुमले का सेंटेंस है, रूल है कि आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो एक सिंपल सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखने के कुछ असूल बनाए होते हैं, वो सिंटैक्स कहलाते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं सिंटैक्स एरर क्या होता है। व्हेन वी वायलेट द ग्रामेटिकल रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हम ग्रामेटिकल रूल्स की वायलेशन करेंगे, खिलाफ वर्जी करेंगे, तो एरर अक्कर होगी, दैट्स कॉल्ड सिंटैक्स एरर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस रूल को इंग्लिश लैंग्वेज में फॉलो नहीं कर रहा तो ये एरर अक्कर हो रही है, सिंटैक्स एरर कहलाएगी। फॉर एग्जांपल आपको पता है सी लैंग्वेज में एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी एंड विद सेमी कॉलन साइन, हर स्टेटमेंट स्टेटमेंट टर्मिनेटर से एंड होती है। अगर हम किसी स्टेटमेंट के एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डालेंगे तो एरर अक्कर होगी, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। नाउ बेटा सेकंड एरर इज रन टाइम एरर, व्हेन वी डायरेक्ट टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन, हम कि उससे कोई गैर कानूनी काम करवा रहे हैं। कैसा गैर कानूनी काम? कि हमें पता है किसी भी नंबर के नीचे जीरो नहीं आ सकता, दैट इज इंफिनिटी। ऐसा कोई रूल अभी तक बना ही नहीं जो किसी नंबर के नीचे जीरो आ सके। तो ये अगर हम ऐसा काम करवा रहे हैं तो वो प्रोग्राम को रन ही नहीं करेगा और एरर शो कर देगा। अगर आप मैथमेटिक में कैलकुलेटर में करके देखें तो वो मैथ एरर आपको शो कर देता होता है। एंड द लास्ट एरर इज व्हेन वी फॉलो रॉन्ग लॉजिक, हम जब रॉन्ग लॉजिक को, रॉन्ग एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं तो एक एरर अक्कर होता है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों एरर्स को फाइंड करना आसान है क्योंकि जब ये एरर अक्कर होते हैं तो आपका कंपाइलर जो होता है प्रोग्राम को रन नहीं करता, वो उसे वहीं पर मैसेज शो कर देता है कि आपके इस लाइन में एरर है। लेकिन जब लॉजिकल एरर अक्कर होता है तो मैसेज शो नहीं करता। लॉजिकल एरर का हमें कैसे पता चलता है कि प्रोग्राम में एरर है? हमें रॉन्ग आउटपुट से अंदाजा होता है कि हमारे इस प्रोग्राम में एरर है। तो बेसिकली जब हमें रॉन्ग आउटपुट मिलती है तब हमें अंदाजा होता है, और लॉजिकल एरर को फाइंड करना सबसे मुश्किल होता है। इसके लिए हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे प्रोग्राम को दोबारा देखना पड़ता है और फिर हम सर्च करते थे, अच्छा जी यहाँ पर मसला था, ये एरर थी। तो बेटा ये था आपका, जब हमें एक सी प्रोग्राम बनाना होता है तो हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक सी प्रोग्राम कंप्लीट करते होते हैं। तो ये 6 स्टेप आपके बोर्ड पे मौजूद हैं जिन्हें हम फॉलो करें तो हमारा कंप्लीट सी प्रोग्राम कंप्लीट होता है। नंबर वन इज क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, सबसे पहले आप एक प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, आप एक प्रोग्राम को क्रिएट क्या कहा करते हैं? आपको पता है हर एक हाई लेवल लैंग्वेज का अपना एक आईडीई होता है। आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हर एक लैंग्वेज का अपना एक आईडीई होता है जिसमें वो एक प्रोग्राम को सारे स्टेप्स क्रिएट करने के कंप्लीट करता होता है। आप टर्बो सी के नाम से या टर्बो सी प्लस प्लस के नाम से आईडीई यूज करेंगे, जिसमें आईडीई का पर्पस क्या होता है? आईडीई आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें आप एक प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं,
सेव कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Is it clear? उसके बाद जी सबसे पहला स्टेप जो आप क्रिएटिंग कर रहे हैं, वो नॉट एट जब हम क्रिएटिंग कर रहे होते हैं किसी भी प्रोग्राम की करंटली पोजीशन पर मौजूद होते हैं तो हम मेन मेमोरी पर मौजूद होते हैं, बिकॉज मेन मेमोरी इज द वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। तो जब हम क्रिएटिंग कर रहे हैं और उसमें अगर कोई चेंजिंग की जरूरत है तो हम मॉडिफिकेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उस प्रोग्राम को दोबारा भी इस्तेमाल कर सके। तो दूसरा स्टेप होता है सेविंग का प्रोग्राम, यानी सेविंग का प्रोग्राम में वो प्रोग्राम जो आपका मेन मेमोरी में मौजूद था हम उसे अपनी सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं ताकि हम उसे जब भी उसकी जरूरत पड़े उसे यूज कर सके। सेकेंडरी मेमोरी में वो प्रोग्राम परमानेंट स्टोर होता है। ये छोटी सी डायग्राम क्रिएटिंग के बाद जो सेविंग होती है, आप अगर ये प्रोग्राम आपने क्योंकि एक सी लैंग्वेज में बनाया हुआ है और सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है और जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा जाता है वो सोर्स कोड कहलाता है या आपकी ये सोर्स फाइल है जिसकी एक्सटेंशन .src होती है, .src के नाम से जिसकी एक्सटेंशन होती है। उसके बाद क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ सकता, देन उसकी कंपाइलेशन होती है। कंपाइलेशन मींस कन्वर्टिंग अ प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो ये थर्ड स्टेप में कंपाइलिंग हो रही है, ऑब्जेक्ट कोड में प्रोग्राम कन्वर्ट हो रहा है। अगर कोई एरर है तो वो एरर को रिमूव करेगा, वापस सोर्स फाइल के पास से भेजेगा, दोबारा ये प्रोसेस होगा। जब तक एरर होगी वो इसी फेज पर यहाँ पर मूव करता रहेगा। जब आपकी वो ऑब्जेक्ट फाइल एरर फ्री हो गई तो फोर्थ स्टेप में लिंकिंग होती है, यानी कंपाइलिंग के बाद ये कोड जो है ये आपका ऑब्जेक्ट कोड बन चुका है। तो ऑब्जेक्ट कोड की लिंक करवाया जाता है उससे रिलेटेड जो आपकी लाइब्रेरी फाइल्स होती है उनसे लिंक करवाया जाता है कि ये जो हमने कोड लिखा है ये है क्या। लिंकिंग के बाद नेक्स्ट फेज जो होता है वो होता है लोडिंग का प्रभाव। लोडिंग का प्रभाव में हम क्या करते हैं जी, वो प्रोग्राम जो हम परमानेंट अपनी सेकेंडरी मेमोरी पर सेव कर चुके हैं हम उसे मेन मेमोरी में लेकर आते हैं। मेन मेमोरी में लाने का मकसद क्या है जी, मेन मेमोरी क्योंकि कंप्यूटर का वर्किंग एरिया है, मेन मेमोरी में आने के बाद उसने उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है। द ट्रांसफरिंग ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इनटू मेन मेमोरी कॉल्ड लोडिंग का प्रोग्राम। प्रोग्राम लोड हो गया, लोड करने का मकसद क्या था, लोड करने का मकसद ये था हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दें। तो सबसे लास्ट स्टेप होता है वो एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट का मतलब होता है उसे चला देना, रन कर देना, जिस मकसद के लिए हमने उसे बनाया है हम उसे इस्तेमाल करने लग जाते हैं। बेटा ये थे आपके कुछ नेसेसरी स्टेप्स जिन्हें फॉलो करते हुए आप एक प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। क्या इससे पहले हम तीन लेक्चर पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर का अगर मैं लफ्जी मायने बताऊं जी, साख। हमने जब सी प्रोग्राम बनाना है तो हम किन किन इंपॉर्टेंट चीजों को फॉलो करते होते हैं। तो बेसिकली बेटा आपके सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में तीन चीजें आती होती हैं। आपने जब एक सी प्रोग्राम बनाना होता है तो आप तीन चीजों को मद्देनजर रखते होते हैं। नंबर वन इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, नंबर टू इज मेन फंक्शन एंड नंबर थ्री इज सी स्टेटमेंट। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की बात करें बेटा तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है, नाम से पता चल रहा है प्री प्रोसेसर, यानी कंपाइलेशन से प्रोसेसिंग से पहले का काम जो कंपाइलेशन होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारी वहां पर मदद करती होती है। बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की पहले डिटेल से बात करें तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट होती है हैश साइन से, इट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये हैश साइन से स्टार्ट होती है और पहली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो इंक्लूड के नाम से जानी जाती है। इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम क्या होता है, इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम आपकी हेडर फाइल को, हेडर फाइल क्या होती है बेटा, पहले हेडर फाइल को एक्सप्लेन कर लें। व्हाट इज हेडर फाइल, हेडर फाइल क्या होती है जी, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ फंक्शन स्टोर इन अ फाइल, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ फंक्शन स्टोर इन अ फाइल कॉल्ड हेडर फाइल, स्टोर इन अ फाइल कॉल्ड हेडर फाइल। एक ही तरह के फंक्शन जब आप एक जगह पर स्टोर कर देते हैं वो आपकी हेडर फाइल कहलाती है। इसे हेडर फाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम के हेड पे इस्तेमाल होती है। मैं साथ साथ इसकी एक एग्जांपल के तौर पर एक सैंपल प्रोग्राम भी साथ ऐड करते जाएं,
क्योंकि ये हेडर फाइल प्रोग्राम के हेड पे स्टार्ट होती है, तो इसे आप हेडर फाइल कहते होते हैं। दो ऐसी हेडर फाइल जो आप सी लैंग्वेज में अपने हर प्रोग्राम में लाजमी इस्तेमाल करते हैं, एक आपकी stdio.h के नाम से और एक आपकी include code.io.h के नाम से। देखिए stdio stands for standard input output, that is standard input output, and code.io stand for console input output, console input output के नाम से। standard input output जो आपने data program के दौरान input करना होता है, और console कहते होते हैं output screen को, जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद जो दी कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल आउटपुट स्क्रीन को कहते होते हैं। बेसिकली इन हेडर फाइल का मकसद, इन हेडर फाइल लाइब्रेरी फाइल भी कहते हैं, इसमें जो काम आपने प्रोग्राम में करना होता है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम में आपने कोई मैथामेटिकल फॉर्मूलाज यूज करने हैं, तो उसके लिए आप एक हेडर फाइल लाजमी यूज करते होते हैं जो math.h के नाम से होती है। एक और हेडर फाइल जो आप इस्तेमाल करते होते हैं वो हैश डिफाइन के नाम से। डिफाइन का मकसद कुछ मैक्रो कॉन्स्टेंट्स को प्रोग्राम में शामिल करना होता है। उसके बाद जी मेन फंक्शन के नाम से दूसरा स्टेप जो आपके स्ट्रक्चर में आता होता है वो मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन से पहले वॉइड उसकी रिटर्न टाइप आती है, आप मेन फंक्शन यूज करते हैं और ये कुछ उसके पैरामीटर्स यूज होते हैं। क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि इस मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती है और एट द एंड ऑफ प्रोग्राम कर्ली ब्रैकेट एंड होती है, इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तमाम सी स्टेटमेंट्स आती होती है, यानी ये आपकी बॉडी ऑफ द सी प्रोग्राम कहलाती है। मेन फंक्शन का काम इस बॉडी को प्रोग्राम में शामिल करना होता है, लेकिन अगर आपकी रिटर्न टाइप कोई नहीं है, वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी रिटर्न टाइप, और आपके पैरामीटर भी हम जो चाहे इसमें यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सी स्टेटमेंट जो है, सी स्टेटमेंट वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन्होंने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होना है। दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक तो डेलिमिटर्स के नाम से, ये कर्ली ब्रैकेट जो जहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है और जहां पर एंड होता है ये आपके डेलिमिटर्स कहलाती हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हैं इस स्टेटमेंट टर्मिनेटर के नाम से, जो सेमीकोलन होता है हम उसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, एवरी स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज मस्ट बी एंड विद सेमीकोलन, दैट सेमीकोलन इज कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यानी आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं सी लैंग्वेज में इस सेमीकोलन से एंड की जाती है। जी ये आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर था, हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए प्रोग्राम बनाते होते हैं। जी आप मजीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए YouTube पे अल मुस्तफा के नाम से पेज है, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकअल्लाह।